गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इलेवेंथ. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर एट. चैप्टर नंबर एट है हमारा बाइनोमियल थ्योरम. सबसे पहले हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में बाइनोमियल थ्योरम से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ए बाइनोमियल. बाइनोमियल तो सुना हुआ नाम है, क्या होता है फिर बाइनोमियल? पढ़ा है हमने ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स. कोई भी पॉलिनोमियल हो, x प्लस वाई हो सकता है, ए प्लस बी हो सकता है, ए माइनस टेन हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी टू टर्म्स हो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. तो बाइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स ओनली. और अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या है. यहाँ पे आप पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर. इसका मतलब है अगर आपको किसी भी बाइनोमियल की कितनी भी पावर गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर आपको कितना भी गिवन है, उसको एक्सपेंशन अगर आपको उसकी चाहिए तो उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं. लाइक आपको a प्लस में b की पावर 1 है तो हमें पता है दैट इज इक्वल टू a प्लस बी. अगर a प्लस बी रेज टू पावर 2 है तो हमें ये आइडेंटिटी पता है. a प्लस बी रेज टू पावर 3 भी पता है. अगर a प्लस बी की पावर 4 है आप मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके, लेकिन अगर a प्लस बी रेज टू पावर 10 है, a प्लस बी रेज टू पावर 12 है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप क्विकली उसको कैलकुलेट करके बता दें. इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं. किसके लिए? जब किसी बाइनोमियल को आपको एक्सपेंड करना है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का. अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी बाइनोमियल है आपके पास, माना a प्लस बी रेज टू पावर n है, तो एक्सपेंशन होती है एन सी जीरो. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमें पता है NCR क्या होता है, ठीक है? ये मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी. ये होता है किसके इक्वल? NC0 इंटू ए रेस टू पावर n. फर्स्ट जो टर्म है उसकी पावर n होगी. हमेशा फर्स्ट टर्म a लेंगे, सेकंड टर्म b होती है. अब फर्स्ट टर्म की पावर n है तो यहाँ पे सेकंड टर्म की पावर मैंने लिखी नहीं है. सेकंड टर्म की पावर वहां पे क्या होती है? जीरो. और एनी नंबर रेस टू पावर जीरो किसके इक्वल होता है? वन. तो इसलिए मैंने लिखा नहीं. ऐसे अब क्या होगा? फिर होगा नेक्स्ट आ जाएगा NC1, NC2, ऐसे वैल्यू आएंगी. कब तक आती जाएंगी? NCN तक. जो यहां पे पावर है वही सेम यहां तक आ जानी चाहिए. और जो A की पावर होती है, फर्स्ट टर्म की पावर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीज होगी. और सेकंड जो टर्म होती है उसकी पावर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होती जाएगी. लास्ट हमारे लास्ट जो टर्म होगी उसमें फर्स्ट टर्म की पावर, जिसकी पावर क्या थी स्टार्टिंग में n थी, उसकी लास्ट में क्या हो जाएगी? जीरो पावर हो जाएगी. और जो सेकंड टर्म आपके पास बाइनोमियल में है उसकी लास्ट में कितनी पावर आ जाएगी? n. आप ध्यान से देखिएगा, NC0 a की पावर n है, b की पावर 0. फिर क्या हो जाएगा? NC1 a की पावर n माइनस 1. नेक्स्ट टर्म में a की पावर n माइनस 2. ऐसे डिक्रीज होती जाएगी और a की पावर लास्ट में क्या आ जाएगी? 0. b की पावर पहले 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3, 4, 5 और लास्ट में कहां तक आ जाएगी? n तक आ जाएगी. इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन. अब ये जो NC0, NC1, NC2 जो होते हैं इन्हें कहते हैं हम बाइनोमियल कोफिशियंट्स. क्या कहते हैं इनको हम? बाइनोमियल कोफिशियंट्स. कभी कभी वन मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये बाइनोमियल आपको एक एक्सपेंशन गिवन होगी और उसमें पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो आपको इंडेक्स को देखना है कि उसकी पावर कितनी है, उसमें 1 ऐड कर देना. इफ पावर इज 10, इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 11 होगी. जो जनरल टर्म होती है वो ये होती है, एक्सपेंशन में बीच में लिखी जाती है NCR a रेस टू पावर n माइनस r b रेस टू पावर r. इसको आप ऐसे जनरल टर्म होती है, इसको r प्लस में 1th टर्म भी लिखते हैं. NCR a रेस टू पावर n माइनस r इंटू b रेस टू पावर r. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस में b होल रेस टू पावर n. जो ये बाइनोमियल है इसकी अगर रेस टू पावर n है, आप उसे ऐसे लिख सकते हैं. ये किसका साइन होता है? इसको हम सिग्मा बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं.
समेशन ऑफ, अब ये कहा आर की वैल्यू आपको लेनी है जीरो से लेकर एन तक, और कहां पे पुट करेंगे हम, इस जनरल टर्म में पुट करेंगे। जनरल टर्म है आपके पास एन सी आर ए रेस टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस टू पावर आर। जब आर की वैल्यू आप यहां पे जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन सी जीरो, यहां पे पुट करेंगे तो ए की पावर एन बी की पावर जीरो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जब आप आर की वैल्यू वन पुट करेंगे सेकंड आ जाएगी, टू पुट करेंगे थर्ड आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। क्या कहते हैं उसको हम, जनरल टर्म कहते हैं। आर की वैल्यू जीरो से लेकर एन तक आप पुट करेंगे तो आपके पास बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन आ जाएगी। एनसीआर हम पहले पढ़ चुके हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये भी रिजल्ट हमने तब पढ़ा था, एनसीआर जो है दैट इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, वो एनसीआर है वो एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। जो जनरल टर्म है ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगी, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ओनली बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन को ही यूज करेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8.1 में टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, आज हम ओनली 9 क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट 9 क्वेश्चन जो एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 में यही कहा है इनको एक्सपेंड करना है। 1 माइनस 2x रेस टू होल रेस टू पावर 5, दिस 2 अपॉन में x माइनस x अपॉन में 2 होल रेस टू पावर 5 ये आपको गिवन है। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट पार्ट। आपको गिवन है 1 माइनस 2x होल रेस टू पावर 5, क्योंकि आप, मैंने आपको बताया कि आप बाइनोमियल को ऐसे लिखेंगे a प्लस में b की फॉर्म में, यहां पे प्लस का ही साइन आना चाहिए, तो मैंने इसको लिखा 1 प्लस में ब्रैकेट में ले लिया माइनस 2x को होल रेस टू पावर 5। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है माइनस 2x। अब हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे, जब हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे और यहां पर इस एक्सपेंशन में रखेंगे, सबसे पहले एन सी जीरो, एन की वैल्यू यहां पे हमारे पास जो इंडेक्स होता है वो एन होता है, एन की वैल्यू क्या है 5, तो सबसे पहले आता है एन सी जीरो, तो 5c0 आ गया। ए की पावर एन, ए क्या है 1, तो 1 की पावर एन हो गई, 1 की पावर 5 हो गई। बी की पावर 0, बी क्या है माइनस 2x उसकी पावर 0। नेक्स्ट टर्म होती है एन सी 1, एन की वैल्यू रखी 5, मीन्स आप चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दीजिए चाहे इस एक्सपेंशन को याद करके रख लीजिए। फिर आपने 5c1, a की पावर डिक्रीज करते जाओ, 5 थी फिर 4 हो जाएगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, और b की पावर आप इंक्रीज करते जाएंगे। ये 5c0 है, फिर 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और लास्ट में आ जाएगा 5c5। एक और चीज आप चेक कर सकते हैं, अगर कभी आपको लगे बीच में कहीं पे कोई मिस्टेक है, ए और बी जो दोनों टर्म होती हैं उनकी पावर्स का जो सम है वो हमेशा एन के इक्वल होना चाहिए। 4 प्लस में 1 5, 3 प्लस में 2 5, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 3 0, वो सेम होना चाहिए, उसको चेक कर लेना। अब 5c0 को आप सोल्व करते हैं तो 5c0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 की पावर कितनी भी करेंगे 1 ही रहेगी, माइनस कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो भी 1 के इक्वल होती है। 5c1 आप ओपन करेंगे इसको, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 फैक्टोरियल वैल्यू 5 आएगी, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा, माइनस 2x की पावर 1 माइनस 2x रहेगा। 5c2 को सिंप्लीफाई किया 10 आएगा, 1 की पावर 3 1 रहेगा, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही 5c3 की वैल्यू 10 आएगी, यहाँ पे ये 1 ही रहेगा, माइनस 2x का होल क्यूब माइनस 8x क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट ये 5c4 5 होगा, 1 की पावर 2 1 रहेगा, माइनस 2x होल रेस टू पावर 4 16x की पावर 4 आ जाएगा। 5c5 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 0 1 रहेगी, माइनस 2x होल रेस टू पावर 5 माइनस 32x रेस टू पावर 5 आ जाएगी। इनको सिंप्लीफाई कर लेना एंड यू विल गेट योर आंसर। सेम ऐसे ही फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को लिया क्योंकि उसमें वैल्यू फ्रैक्शनल गिवन है, x अपॉन में 3
प्लस में 1 बाई एक्स होल रेस टू पावर 5 गिवन है, आप लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, चाहे आप एक्सपेंशन को भी यहां पे लिख देना, वही फॉर्मूला, आपके पास n की वैल्यू क्या है 5, एक आप लिख देना यहां पर कि n की वैल्यू हमारे पास 5 है, दोनों ही क्वेश्चन में बाई चांस n की वैल्यू 5 ही है, a की वैल्यू आपके पास है x बाई 3 एंड b की वैल्यू आपके पास है 1/6, तो आपके पास आ जाएगा एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, एन सी 3, एन सी 4, एन सी 5, ऐसे ही a की पावर n, x बाई 3 की पावर 5 और 1 बाई एक्स की पावर 0, अब x बाई 3 की डिक्रीज होती जाएंगी और 1 बाई एक्स की इंक्रीज होती जाएंगी, आप उनको सिंप्लीफाई कर लेना एंड यू विल गेट योर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम है, 96 को आप लिखेंगे 100 माइनस 4 का क्यूब, 102 को लिखेंगे 100 प्लस में 2, 101 को 100 प्लस में 1 और 99 को 100 माइनस 1। मैं 96 का आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कैसे करेंगे, आपने इसको लिखा 100 माइनस 4 का होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, मैंने इसे लिखा है a की वैल्यू हमारे पास 100 हो गई, b की वैल्यू माइनस 4 हो जाएगी, आप इसे लिख देना 100 प्लस में माइनस 4 होल रेस टू पावर 3 और उसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू माइनस 4 है, आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.1, आप एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क मी।